हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमयू एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस ऑफ एमए इंग्लिश। तो एमए इंग्लिश का जो सिलेबस होगा एमयू एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है। और देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस का होना, पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस होते हैं, डिफरेंट जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। एटलीस्ट पैटर्न वाइज आपको डिफरेंस मिलेगा। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एमए इंग्लिश के बारे में, तो टेस्ट पेपर की जो डिटेल दी है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है देयर शैल बी वन पेपर कंप्राइजिंग 80 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चंस विद द फॉलोइंग ब्रेकअप। ब्रेकअप यहाँ पर कितना है? 70 और 30 का। ये 70 30 क्या है? देखो, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 80 क्वेश्चंस हैं। इन 80 क्वेश्चंस के अंदर हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 आपके जो हैं वो MCQs हैं। क्या है? 70 MCQs हैं। और ये 70 MCQs कितने के हैं? 70 मार्क्स के होंगे यहाँ पर। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स के यहाँ पर 70 MCQ हैं। और यहाँ पर आपके 10 शॉर्ट, देखो यहाँ पर कितने हैं? 10। ये कितना है? 10 है। तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। क्या? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, टाइप क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स के होंगे? ये आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता होगा कि टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा। यहाँ पर टोटल जो पेपर है आपका वो यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। यहाँ पर जो MCQs हैं, क्योंकि 70 MCQs आपके कितने मार्क्स के हैं? 70 मार्क्स के। इसका मतलब एक MCQ की जो मार्क्स की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है। समझ में आ गया होगा? अब देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो आपने बता दिया, अब यहाँ पर हमें वो एग्जैक्टली सिलेबस नहीं पता है, क्योंकि ये कोर्स जो एंट्रेंस जी है, जो सिलेबस है वो मास्टर का है। तो इसमें आपके डेफिनेटली ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है। कुछ आपके जो है वो हो सकता है कि जीके टाइप का क्वेश्चन आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप यूट्यूब या गूगल से डाउनलोड कर लें, वहाँ नहीं मिलेंगे। तो एएमयू के आसपास जितनी कोचिंग्स हैं उनके पास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको बुक मंगा लो, ठीक है, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगभग 5 to 10 ईयर्स के लगा लेने हैं, 5 to 10 ईयर्स के यहाँ लगा लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह का होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन में बीए किया हो, या बीएससी की हो, या फिर बीकॉम किया हो, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। कितने मार्क्स? 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, टोटल मार्क्स आपके 50% हो, इन इंग्लिश सेपरेटली एंड इन इंग्लिश सेपरेटली। तो इंग्लिश में आपके जो है वो टोटल 50% भी हो, और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज़ का। यहाँ पर जो आपके पास शीट है वो कितनी टोटल? 45 सीट्स हैं। 1 सीट जो है वो रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो 1 सीट है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और जो कहाँ से बिलोंग करती है? जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइन ऑफ।